नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब 31 लघु वन उत्पादों की होगी खरीदी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मनसा के अनुरूप प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 25 से बढ़ाकर अब 31 लघु वन उत्पादों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का अहम निर्णय लिया गया है। इन लघु वन उत्पादों में वन तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बहेड़ा कचरिया, हर्रा कचरिया तथा नीम बीज को शामिल किया गया है। आज जारी नहीं होंगे CGBSE 10वीं 12वीं के रिजल्ट। अज्ञातों ने फर्जी लेटर जारी कर फैलाई थी अफवाह, दर्ज होगा FIR। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अफवाह फैलाने वाले के मामले में मंडल सचिव अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे। दरअसल कुछ अज्ञात लोगों ने फर्जी लेटर जारी कर आज यानी 20 जून को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड क्लास के रिजल्ट जारी होने की जानकारी दे रहे थे। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने रेत सहित अन्य सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं। पुलिस जवान ने अपनी पत्नी को गोली मारकर खुद की ली जान। मानपुर थाना परिसर में बने क्वार्टर में एक जवान ने अपनी पत्नी को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। जवान ने अपनी पत्नी को मारकर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की। मौके पर दोनों की मौत हो गई। जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर थाने में पदस्थ था। शुक्रवार देर रात की घटना। इस घटना में सुरक्षा बल के जवान और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को बरामद कर जांच शुरू कर दी। कोरोना के पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 104,516 केस, 4 लाख की और कुल मरीजों की संख्या। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते हुए 4 लाख की ओर पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 104,516 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इतने ही वक्त में 375 लोगों की मौत हुई है। यह एक दिन में आए अब तक के सबसे अधिक कोरोना वायरस के मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक COVID-19 के कुल मामले 3,95,048 हो गए हैं। इसमें 2,13,831 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,68,269 एक्टिव केस हैं। कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 12,948 हो गई है। पीएम मोदी ने लॉन्च की गरीब कल्याण योजना, मजदूरों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी। इस योजना को राज्यों के उन जिलों में संचालित किया जाएगा जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से ज़्यादा है। इसके तहत मजदूरों को 125 दिनों के लिए काम मिलेगा। सरकार की ओर से मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कल ही राज्यसभा चुनाव के लिए की थी वोटिंग। पत्नी समेत विधायक निकले कोरोना पॉजिटिव, पार्टी में मचा हडकंप। MP के जावद से BJP विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। BJP विधायक ने कल ही राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में वोटिंग की थी। BJP विधायक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति तो हैं ही, अब वह दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के क्लब में भी शामिल हो गए हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति बढ़कर 64.5 अरब डॉलर हो गई है और वह एशिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो चुके हैं। सुशांत के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने सुशांत सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि भी अर्पित की और सुशांत के साथ हुई एक मुलाकात को भी याद किया।
आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।